तो भाई आज मैं रिस्क में डालने वाला हूँ अपने 2000 दिन पुराने हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को, क्योंकि आज मैं ट्रैप करने वाला हूँ वार्डन को, वो भी एक जाइंट वार्डन के स्टैचू के अंदर। और भाई ये काम सुनने में जितना ज्यादा आसान लगता है उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार हम लोग ट्रैप करने वाले हैं वार्डन को, जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल मॉब्स में से एक है। और भाई हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोग इस वर्ल्ड को खो भी सकते हैं। तो भाई क्या हम लोग ट्रैप कर पाएंगे वार्डन को, वो भी एक जाइंट वार्डन के स्टैचू में, ये जानने के लिए तुम लोगों को वीडियो में एंड तक का बने रहना पड़ेगा। तो चलो भाई अपनी बकवास कमेंट्री को रखते हैं साइड में, इंडिया फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं बनाने वाला हूं एक बड़ा सा वार्डन का स्टैचू, एंड उसके अंदर मैं डालूंगा एक वार्डन को, मतलब मैं ट्रैप करने वाला हूं उसको। एंड या पहले हम लोग वार्डन का स्टैचू बनाएंगे, क्योंकि यार हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग वार्डन का स्टैचू बनाने से पहले हम वार्डन को ले आते हैं तो यार बहुत ज्यादा मैस हो जाएगी। तो यार अभी क्या करते हैं, अभी फटाफट से सारे के सारे मटीरियल को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। बट यार मटीरियल कलेक्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को वो लोकेशन दिखा देता हूं जहां पर मैं अपने जाइंट वार्डन के स्टैचू को बनाने वाला हूं। सो यार चलो फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पर। मतलब यार चलना क्या है, हम लोग ऑलरेडी उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहां पर मुझे इस स्टैचू को बनाना है। तो यार जैसे कि तुम सभी लोग नीचे यहाँ नेदर पोर्टल को देख सकते हो, एक्चुअली मैं इस लोकेशन पर ही अपने वार्डन के स्टैचू को बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार मैंने ना ये सोच करके यहाँ पर बनाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिल्वर प्ले बटन भी काफी ज्यादा पास में पड़ेगा। एंड यार सामने तो आयरन गोलम का स्टैचू है, तो यार काफी ज्यादा बढ़िया वाली वाइब देने वाला है, क्योंकि दो मॉब्स का स्टैचू आमने सामने हो जाएगा। बट स्टैचू बनाने से पहले हम लोगों को इस एरिया को टेराफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यार इस एरिया को टेराफॉर्म करने की काफी ज्यादा जरूरत है। सो यार चलो फटाफट से इस एरिया को टेराफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। और भाई फाइनली यहाँ पर काफी देर तक मेहनत करने के बाद हमने लिटरली ये पूरा का पूरा एरिया टेराफॉर्म कर दिया है। एंड या गाइस अब हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं अपने सारे के सारे मटेरियल को, जो कि हमको चाहिए इस वार्डन के स्टैचू को बनाने के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इजी मटेरियल से, जो कि है नीला पत्ता, जो कि हमें नेदर के वॉर्ब्ड फॉरेस्ट में मिलता है। वैसे तो यार इसको कुछ और कहते हैं, बट यार मैं इसको नीला पत्ता ही बुलाता हूँ। और भाई उसके बाद हमें चाहिए ढेर सारी स्ट्रिप्ड वॉर्ब्ड वुड्स। एंड या इसी के साथ हमारे इजी मटेरियल तो कलेक्ट हो चुके हैं, जो कि हमको चाहिए थे अपने स्टैचू को बनाने के लिए। बट अभी हमको चाहिए होंगे ढेर सारे कॉन्क्रीट। तो यार उसके लिए मुझे क्या करना है ना, मुझे अपने जाना है स्टोरेज रूम में, एंड वहां से जाकर मुझे जिस भी कलर के कंक्रीट पाउडर चाहिए मैं फटाफट से वो कलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर मुझे चाहिए होगा टियान कंक्रीट पाउडर, ब्लैक कंक्रीट पाउडर, ग्रे कंक्रीट पाउडर, लाइट ग्रे कंक्रीट पाउडर, और लास्ट हमें चाहिए व्हाइट कंक्रीट पाउडर। तो भाई इसी के साथ मुझे यहां पर जितने भी कलर के कंक्रीट पाउडर चाहिए थे वो सारे के सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो यार अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमको जाना होगा अपने सैंड ड्यू पर, एंड वहां पर जाकर हमको अपने सारे के सारे कंक्रीट पाउडर को ड्यूप करना है। एंड भाई फाइनली यहां पर मैं अपने सैंड ड्यू पर भी आ चुका हूं, एंड यहां पर मैंने ड्यूप होने के लिए सभी के सभी कंक्रीट पाउडर को भी लगा दिया है। एंड या आप चलो फटाफट से इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। और भाई फाइनली यहां पर मैंने अपने ड्यूपर को भी स्टार्ट कर दिया है, एंड इसी के साथ हमारा सारा का सारा कंक्रीट पाउडर ड्यूप होकर के जा रहा होगा एंड वर्ल्ड में। सो यार चलो फटाफट से एंड वर्ल्ड में भी चलते हैं। एंड यहां पर जैसे कि तुम सभी लोग देख ही सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड से यार सारा का सारा कंक्रीट पाउडर ड्यूप होकर के आ रहा है। एंड ये सारा का सारा कंक्रीट पाउडर स्टोर हो रहा होगा हमारे नीचे स्टोरेज रूम में, जो कि मैंने नीचे बना रखा है। एंड ये जैसे कि तुम सभी लोग देख ही सकते हो भाई, ये हॉपर में जाकर के गिर जा रहे हैं। एंड या गाइस चलो फटाफट से चलते हैं थोड़ी देर के लिए AFK, एंड सारा का सारा कंक्रीट पाउडर को कलेक्ट करने के बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूं। एंड भाई फाइनली यहां पर मुझे AFK करते हुए 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 45 मिनट की AFK के बाद तुम लोग देख ही सकते हो भाई यहां पर सारी की सारी डबल चेस्ट भर चुकी हैं कंक्रीट पाउडर से। तो चलो गाइस अब फटाफट से सारे के सारे कंक्रीट पाउडर को शल्कर बॉक्सेस में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड या इस काम को करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, सो यार चलो मुझे 2-4 मिनट दो यार, मैं फटाफट से ये काम को कंप्लीट करता हूं एंड तुम लोगों को मिलता हूं ओवरवर्ल्ड में। एंड या गाइस सारे के सारे कंक्रीट पाउडर को कलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका था ओवरवर्ल्ड में। एंड अब हमें क्या करना है ना, ये सारे के सारे कंक्रीट पाउडर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कंक्रीट ब्लॉक में। सो यार चलो फटाफट से इस काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने सारे के सारे कंक्रीट पाउडर्स को कंक्रीट ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। तो यार अभी मुझे चाहिए होंगे काफी सारी वूल, जिसके लिए मैं आ चुका था अपने शीप फार्म पे। तो यार यहाँ पर ना मेरे शीप फार्म में काउस भी हैं, तो यार मुझे अभी सिर्फ वूल चाहिए, तो मुझे ये सारी की सारी काउस को मारना पड़ेगा। तो यार चलो फटाफट से पहले सारी की सारी काउस को मार लेते हैं। एंड या गाइस काउस को मारने के बाद मैंने चिकन्स को भी जला करके मार दिया, क्योंकि यार इसमें तो सबसे ज्यादा मजा आता है। एंड इनको मारने के बाद मैंने अपने शीप फार्म को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि यार मुझे चाहिए थी ढेर सारी शीप, तो मैंने इनको एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। एंड फार्म को एक्सटेंड करने के बाद मैंने सारी की सारी शीप को ब्लैक कलर कर दिया, क्योंकि यार मुझे चाहिए थी ब्लैक वूल। एंड उसके बाद मैंने इनको ब्रीड करना स्टार्ट किया, जिससे कि मेरे पास ढेर सारी शीप कलेक्ट हो जाए। और भाई फिर मैंने इनको शेयर करके ब्लैक वूल को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एंड लिटरली काफी देर तक शेयर करने के बाद मेरे पास कलेक्ट हो चुकी थी सफिशियंट
सफिशियंट अमाउंट ऑफ वूल जितना भी मेरे को चाहिए था इस बिल्ड को बनाने के लिए। एंड भाई अब जो हमको लास्ट मटेरियल चाहिए इस बिल्ड को बनाने के लिए वो है डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक। एंड यार इसको कलेक्ट करना काफी ज्यादा आसान रहने वाला है क्योंकि यार मैं जाने वाला हूँ ओशियन मॉन्यूमेंट पे एंड वहां पर जाकर मुझे काफी सारे डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो चलो यार अभी फटाफट से चलते हैं अपने पास ही के ओशियन मॉन्यूमेंट पे एंड वहां पर जाकर हमको जितने भी प्रिज्मरीन ब्लॉक्स चाहिए वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेते हैं, प्रिज्मरीन नहीं डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक्स। तो यार चलो फटाफट से उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई डार्क प्रिज्मरीन ब्लॉक को कलेक्ट कर लेने के बाद हम लोगों ने लिटरली सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है जो कि हमको चाहिए था इस जाइंट वार्डन स्टैचू को बनाने के लिए। सो यार चलो फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पर जहां पर हमको अपने वार्डन का स्टैचू बनाना है। तो यार लोकेशन पर जाने की वैसे हमको जरूरत तो है नहीं क्योंकि पास में ही है लोकेशन, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे यार हमको बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। सो यार हम आ चुके हैं उस एरिया पर जहां पर हमको अपने वार्डन का स्टैचू बनाना है। सो यार चलो फटाफट से अपने वार्डन के स्टैचू को बनाना स्टार्ट करते हैं। या यू गाइज एंजॉय द टाइम लैप्स। और भाई फाइनली यहाँ पर हमारा जाइंट वार्डन का स्टैचू भी बन करके रेडी हो चुका है। और भाई साहब ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार हमारा वार्डन का स्टैचू बनने के बाद। और भाई साहब मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ भाई इस वार्डन के स्टैचू को बनाने के लिए ना भाई लिटरली मेरे को 2.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा है। बट एनीवेज गाइस जितना भी टाइम हमको लगा है ना इस वार्डन के स्टैचू को बनाने के लिए वो वर्थ इट है क्योंकि यार ये देखो कितना ज्यादा रियलिस्टिक बनाया है भाई मैंने वार्डन का स्टैचू, मतलब लिटरली काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया है। वैसे तो यार तुम्हारा भाई अपने मुंह से कभी भी खुद की तारीफ करता नहीं है बट यार जो सच वो है क्योंकि यार तुम्हारा भाई जो भी बिल्ड बनाता है वो काफी ज्यादा बढ़िया बनाता है। बट एनीवेज गाइस अभी ये सारी बातों को रखते हैं साइड में एंड अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो मैं तुम लोगों को बताता हूं कि करना क्या है। सो यार अभी हमने इस वार्डन के स्टैचू को तो बना दिया है, बस अब हम लोगों को करना है वार्डन को लाना है एंड इस स्टैचू के अंदर हमें उसको ट्रैप करना है। सो यार ये काम करने के लिए ना मेरे को पहले एक एंशिएंट सिटी ढूंढनी पड़ेगी जो कि हमारे बेस के काफी ज्यादा पास होने वाली है। तो चलो यार अभी फटाफट से ढूंढते एक एंशिएंट सिटी जो कि हमारे बेस के काफी ज्यादा पास होने वाली है। एंड या इस काम को करने के लिए ना मैं एक वेबसाइट की हेल्प लेने वाला हूं जो कि है चंक बेस। चलो फटाफट से ये काम को भी कर लेते हैं। और भाई फाइनली यहाँ पर मैं एक एंशिएंट सिटी में भी आ चुका हूं जो कि लिटरली हमारे बेस के काफी ज्यादा पास में है। जैसे कि तुम सभी लोग देख ही सकते हो यहाँ पर एक श्रीकर है जिससे कि यार हम ना भी थोड़ी देर बाद वार्डन को स्पॉन करेंगे। बट उस वार्डन को स्पॉन करने से पहले ना हम लोगों को यार रास्ता बनाना पड़ेगा अपने वार्डन स्टैचू तक का, यहाँ से एंशिएंट सिटी से वार्डन स्टैचू तक का हमें रास्ता बनाना पड़ेगा जिसके जरिए हम लोग ना वार्डन को स्पॉन करने के बाद उसको ऊपर लेकर के जाएंगे। सो यार चलो अभी फटाफट से सारा का सारा काम को कर लेते हैं। यार भाई इस काम में तो भाई लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्योंकि यार रास्ता बनाना लिटरली मेरे को यार काफी ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता है। सो यार चलो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट से इस काम को भी कंप्लीट कर लेता हूं। इंडिया इस काम को कंप्लीट करने के बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूं। एंड या गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने रास्ता भी बना दिया है जिससे कि यार हम लोग वार्डन को लेके जाएंगे ऊपर एंड वहां पर हम लोग ट्रैप करेंगे उसको वार्डन स्टैचू के अंदर। एंड अब बारी है वार्डन को स्पॉन करने की। सो यार चलो अभी फटाफट से वार्डन को स्पॉन करते हैं। बट उससे पहले क्या करते हैं ना यार फटाफट से एक नेम टैग बना लेते हैं क्योंकि यार वो डिस्पॉन ना हो जाए। तो यार इसका नाम क्या रखें, चलो इसका नाम रखते हैं कालीचरण क्योंकि यार ये पूरा का पूरा काला होता है, तो इसका नाम मैं कालीचरण रख देता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने कालीचरण नाम के नेम टैग को भी बना लिया है। सो यार चलो अभी फटाफट से क्या करते हैं वार्डन को स्पॉन करते हैं। एंड यहाँ पर मैं आ चुका फटाफट से वार्डन को स्पॉन करने की ट्राई करते हैं, स्टीकर के ऊपर कूदते हैं एंड या होपफुली वार्डन स्पॉन हो जाना चाहिए। और भाई साहब यहां पर मुझे लग रहा है भाई वार्डन स्पॉन हो चुका है, फटाफट से इसको नेम टैग दे देते हैं। तो यहां पर मैंने इसको कालीचरण का नाम दे दिया है। अब फटाफट से इसको अपने पीछे लगाते हैं एंड इसको ऊपर लेकर के चलते हैं। सो यार चलो अभी फटाफट से इसको पीछे लगाने के लिए मुझे इसके पास जाना पड़ेगा एंड आवाज करनी पड़ेगी। सो यार चलो अभी फटाफट से इस काम को भी कर लेते हैं एंड होपफुली हमारे पीछे आने लग जाए। तो अभी यार फिलहाल तो ये नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब आने लग गया, भाई पीछे आने लग गया, फटाफट से भागना शुरू करते हैं। ओ भाई साहब इसने लगता है मेरे को देख लिया है, यार आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट में दोबारा जाकर के आऊंगा। ओ भाई आने लग गया। चलो फटाफट से ऊपर भागना शुरू करते हैं। एंड भाई साहब अभी मरना नहीं है भाई, लिटरली बहुत मुश्किल काम है बट मरना नहीं है। अब फटाफट से ऊपर भागते हैं, ये होपफुली पीछे तो आ रहा है। और भाई फाइनली इसको अपने पीछे लगाने के बाद और थोड़ी बहुत चोटें खाने के बाद और थोड़े बहुत टोटम फोड़वाने के बाद लिटरली यार मैंने इसको फाइनली अपने वार्डन स्टैचू के अंदर ट्रैप कर दिया था। और भाई इस काम में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और भाई
ये देखो इस कालीचरण को यार, ये कैसे उस पिस्टन को देख रहा है भाई साहब। मतलब लिटरली इसने मेरी हवा टाइट कर दी है इसको अंदर पहुंचाने के लिए, और भाई उसको देखो कितने ज्यादा आराम से खड़े होकर के देख रहा है। एंड भाई फाइनली इसी के साथ हमने बना दिया था एक जाइंट वार्डन का स्टैचू, एंड उसके अंदर हमने ट्रैप कर दिया था एक वार्डन को, जो कि भाई लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल टास्क लग रहा था, बट एट द एंड हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया। एंड गाइस इसी के साथ चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस तरीके के कंटेंट देखने में अगर तुम लोगों को मजा आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यार तुम्हारा भाई 3000 की फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज है। एंड या गाइस लाइक करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यार तुम लोग ही हम लोगों को 3000 की फैमिली तक पहुंचा सकते हो। फटाफट से सब्सक्राइब करो। एंड या मैं मिलूंगा तुम लोगों से ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।